हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, हमारी जो बिजनेस स्टडीज़ की लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस किया था। वहाँ हमने देखा था कि बिजनेस फाइनेंस का जो क्लासिफिकेशन है उसे थ्री कैटेगरीज़ के अंदर किया गया है। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड देखा था, यानी ड्यूरेशन के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो तीन कैटेगरी के अंदर बटा है। एक है आपका मिड टर्म, या फिर आपका शॉर्ट टर्म, और या फिर आपका लॉन्ग टर्म। क्लियर है? उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिस्कस किया था। ओनरशिप के बेसिस पे हमने देखा था ओनर्स फंड होता है, बोरोड फंड होता है। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था थर्ड कैटेगरी के अंदर, वो था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, और जनरेशन के बेसिस पे इंटरनल थे और एक्सटर्नल थे। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर के एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी अब से हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, वो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू एक बिजनेस पैसा इकट्ठा कर सकता है, या बिजनेस वहाँ से पैसा ले सकता है। आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट, एक इमेज शो रही है, उसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल लिखा है। हम उसी को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है अ बिजनेस कैन रेज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे कि हमें पता है, एक जो बिजनेस होता है वो वेरियस सोर्सेज के थ्रू फंड को इकट्ठा कर सकता है। ईच ऑफ द सोर्स हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और जो हर सोर्स होता है, चाहे वो रिटेन अर्निंग हो, चाहे लीज फाइनेंसिंग हो, चाहे ट्रेड क्रेडिट हो, चाहे आपके शेयर्स हों, चाहे आपके डिबेंचर हो, हर एक सोर्स की अलग अलग विशेषताएं होती है। विच मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड सो दैट द बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड कैन बी आइडेंटिफाई। और अगर आप इन सब सोर्सेज को बड़े ढंग से समझ लोगे, तो कभी आप जब भविष्य के अंदर बिजनेस करोगे, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोर्स बेस्ट होगा, कौन से सोर्स से आपको ज़्यादा फायदा होगा, कौन से सोर्स में आपको ज़्यादा नुकसान है। ये चीज़ आप आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम पहला जो हमारा सोर्स है उसे शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है? देखो, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने काम को करती है, अपना वो एक फाइनेंशियल ईयर पूरा करती है, तो कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। देखो, दूसरे केसेस में लॉस भी होता है, मगर अधिकतर केसेस के अंदर कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट जो अमाउंट है, यानी कुछ हिस्सा, आधा मान लीजिए, 60% मान लीजिए, जो बचा लेती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है अपने पार्टनर्स के बीच में, या अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, या ओनर खुद नहीं रखते हैं। उसका 50% 60% जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो दोबारा इसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। किस में? बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस की ग्रोथ में, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी टॉपिक को, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए, नोट्स में PDF में क्या लिखा है, अ कंपनी जर्नली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंगस द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। जो एक कंपनी होती है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट। देखो बेटा, कोई बंदा जब एक कंपनी के शेयर खरीदता है, कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है। जब भी तो वो कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसे जो प्रॉफिट होता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं कंपनी के केस में। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ध्यान देना, जब आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे, तो आपको डिविडेंड ढंग से समझ आएगा, वो होगा आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट को अर्न करती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उस प्रॉफिट को पूरे को अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। वो उसमें से कुछ पैसा बचा के उसे दोबारा से किस में इन्वेस्ट कर देती है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। और इसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। देखो, याद करो, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन पढ़ाया था, जब उसमें इंटरनल फाइनेंसिंग बताई थी, तो ये किसका सोर्स है? ये सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग का, यानी बिजनेस खुद का पैसा खुद के अंदर लगा रहा है। फिर हम इसे सेल्फ फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, फिर हम इसे कह सकते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को आप दोबारा से किस में कहते हैं ना, खेत जोतने का मतलब होता है, तो आप दोबारा से किसके अंदर पैसा लगा रहे हो? आप दोबारा से अपने बिजनेस के अंदर उसी पैसे को लगा रहे हो जो आपका प्रॉफिट था। क्लियर है? द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लगिंग बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, लाइक आपको कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, बिजनेस की उम्र कितनी हो गई है, बिजनेस को कितना टाइम हो गया है। इन सब के बेसिस पे ही आप दोबारा से बिजनेस के अंदर पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है? जब एक बिजनेस दोबारा से अपने प्रॉफिट को खुद के अंदर इन्वेस्ट कर लेता है, तो वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रिटेन्ड अर्निंग जब आप कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, उसका प्रॉफिट दोबारा से रीइन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ प्रॉफिट
से या मतलब आपको कुछ ना कुछ मेरिट्स भी हैं उसके, आपको कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, तो वो एडवांटेजेस ही हम यहाँ पे जान रहे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो रिटेन्ड अर्निंग एक परमानेंट सोर्स है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो परमानेंटली आपके साथ रहेगा, आपका पैसा है, आपके बिजनेस में लगा हुआ है, आपको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है या फिर लोन लेने के बाद उस पैसे को किसी को लौटाने की जरूरत नहीं है, आपने अपना प्रॉफिट बिजनेस में लगाया है और वो परमानेंट सोर्स है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। क्लियर है? इट डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। कहने का मतलब क्या, अगर आप किसी से लोन लोगे, किसी से पैसा उधार लेके बिजनेस के अंदर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप शेयर होल्डर्स को लाते हो, शेयर होल्डर आपके यहाँ पैसा लगाते हैं तो आपको उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो कॉस्ट होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या एक्सपेंसेस मान लो, कुछ भी मान लो, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी कॉस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी अगर आपने अपने प्रॉफिट को दोबारा से लगाया। तो भैया किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना, किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं देना, तो आपका काम आराम से चलता रहेगा। तो ये भी मेरिट है, पहला क्या है परमानेंट सोर्स है, दूसरा क्या है भारी जो कॉस्ट आपको देनी है वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पॉइंट, एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने अपने प्रॉफिट को ही बिजनेस में लगाया है तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए और आपके लिए एक फ्रीडम और एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेगा। यार अब आपका पैसा है तो हम लोग कह ही देते ना, तेरे को क्या मतलब है मेरा पैसा है, मैं जहाँ भी लगाऊँ, चाहे मैं इससे कुछ भी चीज़ खरीदूँ, मैं ये शर्ट खरीदूँ, मैं ये ट्राउज़र खरीदूँ, चाहे मैं इससे कुछ पार्टी करूं या मैं इससे कोई गेम खरीदूं, कुछ भी करूं, बोले मेरा पैसा मेरी पॉकेट मनी। आप लोग कहते हो नहीं कहते हो, कहते हो ना, तो वो यही चीज़ होती है एक्चुअल में, फ्रीडम होती है। जब बंदे के पास खुद का पैसा होता है ना तो फिर अपने हिसाब से उससे खर्च करता, अपने हिसाब से काम करता, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीडम वाला काम यहाँ पे हो ही जाता है। क्लियर है? अगर फोर्थ नंबर की बात की जाए तो रिटेन अर्निंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। कहने का मतलब है बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यहाँ पे जनरेट नहीं होते, क्योंकि आपका पैसा है, आप परमानेंट सोर्स हो, आप लगा रहे हो, आप किसी से पैसा लेके फिर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक है, लॉस का कारण यहाँ पे हो सकता है। एंड इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। अब मेरी बात पर ढंग से ध्यान देना, पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपनी खुद का पैसा खुद के बिजनेस में लगाती है तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट के अंदर जो प्राइस या जो उसकी गुडविल है ना वो बढ़ती है, उसके शेयरों की जो कीमत है ना वो बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम लोग, आप लोग खुद के पैसे से कोई चीज़ बनाते हो या फिर कोई चीज़ लाते हो तो आप ऐसा कहते हो मेरे पैसों की ये चीज़ है, तो दूसरे लोग देख के तुम्हें ये कहते हैं कि देखो यार इतनी कम उम्र ने इस बच्चे ने या इस बंदे ने इतना कुछ कर लिया, ये चीज़ ले आया, इसने घर बना दिया, ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट के अंदर क्या बनती है, गुडविल बनती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी खुद का पैसा लगाती है तो इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यार जब कंपनी खुद का पैसा लगा रही है तो इसका मतलब कंपनी को हर साल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी को हर साल प्रॉफिट हो रहा है तो सब लोग उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। समझ आई बात है? नहीं तो हमें पांच मेरिट दिए हुए हैं। पहला क्या कहता है कि परमानेंट सोर्स है, आपके साथ हमेशा रहेगा। दूसरा क्या कहता है, भारी कॉस्ट इसके ऊपर लागू नहीं होती है। तीसरा क्या कहता है, ऑपरेशनल आप फ्रीडम कर सकते हो आराम से, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हैं उनकी जो क्षमता है उनको झेलने की उस कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, और मार्केट के अंदर आपकी इक्विटी शेयर्स की कीमत को भी बढ़ाने का काम ये करता है। अब देखो यार हर चीज़ के मेरिट्स नहीं होते, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो जो रिटेन्ड अर्निंग है जहाँ हम खुद का पैसा खुद लगा रहे हैं उसके कुछ ना कुछ यहाँ पे डीमेरिट्स भी हैं, और उन डीमेरिट्स को अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में किसी ने शेयर परचेस किए और मैंने उसको कहा कि मैं आपको 10% के हिसाब से डिविडेंड पे करूंगा, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं आपको हमेशा दूंगा डिविडेंड के रूप में, आपने जितना पैसा लगाया उस पैसे के हिसाब से। क्लियर है? अब इस साल अपनी कंपनी क्या चाहती है, इस साल अपनी कंपनी चाहती है कि या 90% या 95% जो है ना प्रॉफिट हुआ है वो हम किस में इन्वेस्ट कर दें, दोबारा से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दें। अरे यार ऐसे कैसे, आपने जो शेयर होल्डर थे उसको क्या कहा था कि 10% आप पे करोगे, और अब आप क्या कह रहे हो
अब आप कह रहे हो कि भैया हम 95% दोबारा बिजनेस में लगाएंगे, अगर ऐसा आप कर रहे हो ना, अगर आपने ज़्यादा पैसा वापस लगाया बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं ये शेयर होल्डर्स के खिलाफ हो जाएगा, वो आपकी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो आपकी कंपनी से शेयर्स को वापस ले लेंगे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। अब ये देखो, हमने मेरिट में पढ़ा कि परमानेंट अगर बिजनेस में पैसा लगाए तो हमेशा रहेगा, मगर क्या है, बिजनेस को प्रॉफिट हमेशा थोड़ी होगा। देखो बिजनेस है, हमने पढ़ा था बिजनेस रिस्क के अंदर, बिजनेस का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है और मे बी आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। एक अनसर्टेन सोर्स है फंड का, और यहाँ पे जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा और कभी है ही नहीं। क्लियर है? तो आप कितना पैसा लगाओगे अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो। थर्ड पॉइंट है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय मैनी फर्म, दिस मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपनियाँ जो हैं वो इस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती, वो अपने प्रॉफिट को क्या है, एक सही तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से क्या होता है, जो परमानेंट सोर्स आपके पास था, जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, आप कहीं ना कहीं उसका वेस्टेज कर देते हो। क्लियर है? तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने रिटेन्ड अर्निंग देखा है, ये एक इंटरनल सोर्स का पार्ट है। एक कंपनी खुद का पैसा लगाती है, जब एक कंपनी को प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर के साथ पूरा ना बांट के अपनी कंपनी में दोबारा से री इन्वेस्ट कर देती है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग। इसके कुछ फायदे भी और इसके कुछ नुकसान भी है, ठीक है? तो अब इस चैप्टर के अंदर बेटा ऐसे ही सोर्सेज आने वाले हैं, आप ऐसे ही सोर्सेज को क्या करने वाले हो, समझने वाले हो। तो उनमें से आज आपने एक सोर्स समझा है जिसका नाम था रिटेन्ड अर्निंग। आई होप आप सभी को रिटेन्ड अर्निंग वाला सोर्स समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नए